मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का इस वक्त पूरा पालन करते हैं। असीम वकार साहब, तो आप चाहें तो मजहब और पाबंदी और वो करें तो सेक्युलरिज्म पर खतरा। कि इन्हीं ने कहा कॉस्मेटिक, लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, वो कौन से जानवर की चर्बी है ये मालूम होना चाहिए। दोस्तों, अगर मुद्दा हिंदू मुसलमान का और गोदी मीडिया डिबेट ना करे ऐसे कैसे हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने फरमान जारी किया उसको ही लेकर भाजपा को सपोर्ट करने के लिए रूबिका मैडम ने डिबेट कर दी और डिबेट में खूब हिंदू मुस्लिम करके भाजपा का एजेंडा सेट कर रही थी, जिस पर आसिम वकार ने लाइव डिबेट में ही रूबिका को जमकर धो डाला। चलिए शुरू करते हैं। आसिम वकार साहब, हंगामा क्यों है बरपा? नाम ही तो पूछा है। देखिए, पहली बात तो मैं इस बहस पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उससे ये गए सब घबरा और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा। बात तो सही है। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूँ, अल कबीर एक्सपोर्ट, बीफ जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। मालिक का नाम है मिस्टर सतीश मिस्टर अतुल सब्बरवाल, कंपनी का नाम अल कबीर। अल अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन, और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। आप करें, आप चाहें तो मजहब और पाबंदी और वो करें तो सेक्युलरिज्म पर खतरा, मुसलमानों को कोने में धकेलना, क्यों ऐसा? हाँ बेटा, लगता है तुम गुरु खा के ही मानोगे। देखिए, इन्हीं ने कहा कॉस्मेटिक, लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, वो कौन से जानवर की चर्बी है ये मालूम होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हर उस वुमेन को ये बात मालूम होना चाहिए कि उसमें जो उसकी लिपस्टिक है उसमें कौन सी चर्बी मिली है। मैं इसमें बुराई नहीं समझता या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या क्या बुराई है अगर किसी हराम जानवर की हम लोग के हिसाब से उसमें चर्बी मिली है तो उसका यूज नहीं। क्या बुराई है कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ, अल्कोहल का हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है, इसमें क्या बुराई है बताइए? अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता दे। मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का इस वक्त पूरा पालन करते हैं। असीम वकार साहब, तो इसमें क्या बुराई है कि ये उन दिनों मेरे यहाँ पर जो है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो क्या क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो? चड्ढा समझाओ इसे। अरे भाई, आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। गजब बेइज्जती है। आपकी मिसाल से फर्क नहीं पड़ना है, लिपस्टिक में चर्बी है कि नहीं, आदमी खाना खा रहा है उसमें सामने वाले ने क्या कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया है, वो सात्विक है कि नहीं है, वो ना ख्याल रखे। असीम वकार साहब, अपनी लिपस्टिक का बड़ा ख्याल रख ले। अरे सुनिए तो मैडम। सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। राकेश त्रिपाठी, असीम वकार साहब स्क्रीन पर, तर्क दीजिए, नाम क्यों छुपाना चाहते हैं आप? वकार साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस ढाबे पे खाना पक रहा है, पुलिस को चाहिए कि उस ढाबे के मालिक से कहे कि लिस्ट बना के लगाओ, प्याज फला दुकानदार से आई, लहसुन फला दुकानदार से आया, मिर्च फला दुकानदार से आई, धनिया फला दुकानदार से आया, चावल फला दुकानदार से लिया, दाल फला दुकानदार से लिया, और किसके खेत में पैदा हुआ पूरी लिस्ट बना के लगाओ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना।